మా డిజబుల్ చైర్మన్ వాసుదేవ్ గారు డిజబుల్ కమిషనర్ శాలేజా మేడం గారికి పెద్దలకు ఈ సభలో వచ్చిన అందరికి మీడియా మిత్రులకు పేరు పేరుతో నమస్కారం సలాము ఆజ్ హమారే లియే బడీ ఖుషీ కీ బాత్ హై కి హమారే ఆనరబుల్ సీఎం సాహబ్ నే ఖాస్ తౌర్ సే హమారే స్పెషల్ एबल्ड पर्सन्स जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है उनके लिए हमारे आनेबुल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले जो उन्हें पेंशन मिला करता था 500 रुपीज़ उसे फ़ौरन 1500 किया, आज 3016 रुपीज़ दिया जा रहा है। ये हमारे सीएम साहब ने हमेशा ख़ास तौर से गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए मदद करने में बहुत आगे रहे। और सालाना जो डिजेबल लोगों को मदद की जाती है 1800 करोड़ रुपीज़ हर साल दिया जाता है पेंशन में, और उनके दूसरी तरीके से मदद की जाती है। आज ख़ास तौर से हमारे आनेबुल मिनिस्टर जो डायनेमिक लीडर है, जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है, म्यूनसिपल मिनिस्टर है, आज हमारी महफिल में है, उनके जरिए काफ़ी इन लोगों को, जिन लोगों की मदद की ज़रूरत है और जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए कई कंप्यूटर दिए जा रहे हैं, सेलफोन दिए जा रहे हैं और वैकेज दिए जा रहे हैं। ये वैकेज उनके लिए बड़ी मददगार साबित होती है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उसके लिए हुकूमत मुकम्मल तरीके से उनकी मदद कर रही। उसी तरह हमारे आनेबुल सीएम साहब ने जो डबल बेडरूम मकान बनाए जाएँ उसमें 5% कोटा हमारे डिजेबल लोगों के लिए रखा है। उसी तरह 4% जॉब भी हमारे सीएम साहब ने प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि दुनिया में इंसान वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, उसे इंसानियत कहते हैं। वही अगर कोई लीडर है हमारे, महान और महात्मा लीडर है, तो केजरीवाल साहब है जिन्होंने तेलंगाना की जद्दोजहद की। तेलंगाना हासिल करने के बाद तेलंगाना का हर शहरी जो भी तेलंगाना में रहता है उसे हर किस्म की मदद दी जाती है। सीएम साहब ने हमेशा जितना भी अब तेलंगाना बनने के बाद इस स्टेट में जो डेवलपमेंट स्कीम लाए उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों को मुबारकबाद देता हूं जो डिजेबल है, उनके लिए यहां पर काफ़ी मोटरसाइकिल्स रखे गए हैं, जो चेयर्स हैं और वो भी ऑटोमेटिक चेयर्स रखे गए हैं, उनके लिए हर तरीके से हुकूमत मदद करना चाहती है। उसके लिए मैं हमारे सीएम साहब को और हमारे मिनिस्टर केटी रामाराव साहब को और हमारे कुपाल ईश्वर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि एक बार मैं टीवी में एक डिबेट देख रहा था, डिबेट में एक शख्स ने दूसरे शख्स से सवाल किया कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो दूसरा शख्स ने जवाब दिया जो दूसरों की मदद करता है वही इंसान है। तो यकीनन हमको प्राउड है हमारे मिनिस्टर पर, हमारे सीएम साहब पर, जिन्होंने तमाम लोगों को इस तेलंगाना में जितने बसने वाले गरीब लोग हैं, खासतौर से जो क्लोराइड का पानी था नलगुंडे के अंदर वो 65 साल में दूर नहीं किया गया, हमारे सीएम साहब ने वहाँ पीने का पानी मुहैया करते हुए ऐसे डिजेबल लोगों से लोगों को नजात दिलाया है। उसके लिए मैं आनेबुल सीएम साहब का और हमारे आनेबुल मिनिस्टर केटीआर साहब का और ईश्वर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।